अगर आप भी इस बात से कंफ्यूज हो कि हम कैसे पता करें कि कोई लड़की हमसे पटना चाहती है, नहीं हम ये बात कैसे पता करें कि कोई लड़की हमें भी मन ही मन पसंद करती है, तो आज की वीडियो फ्रेंड स्पेशली आपके लिए। जी हाँ भाई मेरे, इस वीडियो को देखने के बाद फ्रेंड 100% कह रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ कि आपको बेनिफिट होकर रहेगी। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को फ्रेंड कहीं से भी स्किप मत करिएगा। अगर स्किप करने का ख्याल अगर आपके मन में आ रहा है तो भाई मेरे अभी स्किप कर लो, क्योंकि अधूरी ज्ञान किसी काम की नहीं होती है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, इसलिए कह रहा हूं कि प्लीज इस वीडियो को कहीं से स्किप मत करिएगा। बस मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे भाई, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो एंड तक दिखने में अच्छा लगे तो प्यार भरा एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर देना फ्रेंड, प्लीज यार इतना छोटा सा काम कर देना। खैर बढ़ते हैं फ्रेंड हम पहले पॉइंट पे। ये पॉइंट बहुत ही खास है, तो इसलिए फ्रेंड प्लीज यार इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा कि आपका भाई क्या समझाना चाह रहा है। कि वो लड़की आपको लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दिखाएगी, इतना ही नहीं वो आपको रिस्पॉन्स बहुत जल्दी करेगी, आपको स्पेशल ट्रीट वो हद से ज़्यादा करेगी। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी चीज़ की मदद चाहिए, इतना ही नहीं किसी चीज़ के लिए हेल्प चाहिए, और आपने उसके लिए हेल्प के लिए बोला, उसी को फ्रेंड किसी और ने भी कहा कि तू मेरी भी हेल्प कर दे, मगर उसने उसकी हेल्प छोड़ के सबसे पहला काम आपके साथ करना चाहा। उसने चाहा कि सबसे पहले मैंने हेल्प इसकी करनी चाहिए, उसके बाद में इसकी हेल्प कर दूंगी। वो ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देती है। अगर वो किसी से बात कर रही हो और आपने उन्हें एवे टोक दिया तो उसकी बातें वहीं खत्म करके आपकी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लग जाएगी फ्रेंड। तो ये एक्टिविटी, ये इशारे का मतलब साफ साफ यही होता है कि वो आपको पसंद करती है। वो भाई एक बात बता रही है आपको कि मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास स्पेशल फील करती हूँ, आप मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सबसे पहले आपको जगह देती हूँ, उसके बाद कोई और आता है। तो भाई मेरे इस साइन का मतलब भी साफ साफ यही होता है कि वो आपको पसंद करिए। लाइक जैसे कि आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, देखने के बाद अगर उसके कोई फ्रेंड आ गए, उससे अपने फ्रेंड से लगी पड़ी वो बात कर रही है, उसी बीच में अगर आप गए, आपने उसे टोक दिया तो उसने आपको फुल टू एक्सप्लेन करके समझाना चाहा, तो मतलब समझ जाओ मेरे दोस्त कि वो आपको पसंद करती है, ठीक है भाई मेरे। दूसरी जो बात करते फ्रेंड वो होता है आवभाव देखना। जी हाँ, आप उसकी आवभाव देख कर आप पता कर सकते हो कि वो आपको पसंद करती है, फिर कहा जाए वो आपसे पट चुकी है। कि अगर जैसे आप उसके पास जाते हो ना, तो वो आपके सामने अनकंफर्टेबल फील करने लग जाएगी। जी हाँ, अनकंफर्टेबल फील होने से क्या मतलब है, मान लीजिए लाइक जैसे आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और आपने लुक कुछ टाइम अच्छा नहीं कर रखा, आप कुछ काम कर रहे थे या किसी चलते आपके मतलब कपड़े थोड़े गंदे से लग रहे हैं या फिर आप थोड़े साफ नहीं लग रहे, तो उसके सामने जैसे आप जाओगे तो आप उसके सामने जाना नहीं चाहोगे। जैसे कि आपको हमेशा वो शूज़ में देखती है, तो आप कभी उसके सामने चप्पल पहन के नहीं जाने वाले। वैसे फ्रेंड अगर लड़की आपके सामने अनकंफर्टेबल फील करती है तो वो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, वो आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। अब अगर आप पूछते हो कि सर इसमें क्या लॉजिक है, तो देखो भाई मेरे, मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि लड़की कैसे भी टेढ़ी मेढ़ी खड़ी हो, कैसे भी अपने बाल को बना के रखी हो, चेहरे पर कुछ लगा हो नहीं लगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे ही बात कर रही होती है, मगर जैसे ही उसके सामने आप जाओगे तो भाई देखो कैसे वो अपने ड्रेस को ठीक करने लग जाएगी, कैसे अपने बाल को ठीक करने लग जाएगी, अपने चेहरे पर कुछ लगा हुआ तो चेहरे को ठीक करने लग जाएगी। अगर वो टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी खड़ी हो, कैसे भी बात कर रही हो, एकदम स्टडी एकदम मैनेज में होकर आप बात करना चाहिए कि आपके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़े, तो मतलब कि क्या भैया क्या समझ क्या रहे हो, इसका मतलब यही है कि वो आपको पसंद करती है, वो आपसे प्यार करती है फ्रेंड। इसके चलते वो आपको ऐसे सारे करे, इसके चलते वो आपके ऐसे साइन दे रहे हैं जिससे आप समझ सको कि वो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, फिर कह सकते हो बहुत ही ज्यादा आपसे वो इंप्रेस है इसके चलते। समझ गए भाई मेरे। तो ये जो दो पॉइंट था जो कि आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर पूछा था मुझसे, और आपने मुझे कहा था कि सर वो लड़की मुझमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये बात मैं कैसे पता करूं, भाई सबसे आसान तरीका ये है कि वो आपके मैसेज का रिप्लाई कितनी जल्दी करती है। मैसेज फ्रेंड लाइक जैसे कि आप उसे कुछ कहते हो तो वो उसकी बातों को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आपने उसे कुछ कहा कि भाई ये नहीं करना चाहिए तुझे, ठीक है ना, तो वो नहीं करती वो चीज़। तो तुमने जैसे हाई का मैसेज भेजा उसके भाई मुश्किल से 2 सेकंड, जैसे वो ऑनलाइन है तो सबसे पहला मैसेज आपको ही करना चाहती है। इतना ही नहीं, अगर वो किसी काम को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी है, मगर उस बीच में भी आपको अगर कॉल किया, उसने उसका कॉल डिस्कनेक्ट करके आपको इंपॉर्टेंस देना चाहा, तो मतलब फुल टू आप में इंटरेस्टेड है। ठीक है भाई, ये 3 क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर पूछा, और आप कहते हैं इंस्टाग्राम को रिप्लाई नहीं करते हो आप, तो भाई मेरे आप सभी मेरे लिए बहुत ही प्यारे हो यार, उन सभी भाइयों का स्वागत है जो मेरे इंस्टाग्राम पर आते हैं। मगर आप बताओ, आप हाय हेलो कैसे हो, मस्त हो, ठीक हो, अगर आप ये सब लिखोगे तो भाई मेरे ऐसे कमेंट के रिप्लाई मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने कहा ना आपको भाई पूरी प्रॉब्लम मैसेज करना आपको इंस्टाग्राम पर, तो भाई पूरी मैसेज क्या करो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्रेंड, सिंपली क्लिक करके मुझे आप फॉलो कर सकते हो। अगर बातें अच्छी लगी हो, बातों में दम लगा हो, तो इस वीडियो पे एक लाइक करना भाई मेरे, और भाई देखो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पर डे आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, तो कर दो भाई, और हो सके तो भाई नोटिफिकेशन बेल को दिखना जरा चेक करके कि प्रेस कर रखा आपने, और दोस्त यार के साथ ये वीडियो शेयर करना भाई, क्योंकि मुझे आप सभी लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।